हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस ऑटोमेशंस। मैं सुनील कुमार और आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि सिमेटिक मैनेजर को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे हम उसको सिमुलेट करते हैं विदाउट पीएलसी के, हम कैसे उनको रन करवा सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ पर हमें सिमेटिक मैनेजर, आपको मेरी विंडो स्क्रीन पर सिमेटिक मैनेजर दिखाई दे रहा है, ये सिमेटिक मैनेजर है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके सबसे पहले हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। इसको जो भी मैसेज आएगा उसको यस करना है। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा सिमेटिक मैनेजर ओपन होता है तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैं सिमेटिक मैनेजर की अगर बात करता हूँ कि अगर किसी के लैपटॉप के अंदर या किसी के सिस्टम में अगर लाइसेंस नहीं होता है तो सबसे पहले हमें उन्हें लाइसेंस की प्रोवाइड करवानी होती है, और जिनके पास लाइसेंस होता है उनके लिए ऑटोमेटिकली सिमेटिक मैनेजर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि अभी तो हम देख रहे हैं कि सिमेटिक मैनेजर को रन कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब इसकी लाइसेंस की नहीं होती है तो उसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लाइसेंस की को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ और हम कंटिन्यू ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं इनके ऊपर। तो आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ सर्च करने हैं किसी भी पीएलसी के ऊपर, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप वीएस ऑटोमेशन पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सिमेटिक मैनेजर अभी ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने के लिए, ठीक है। अभी ये क्या है, ओपन है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं सॉफ्टवेयर को। कैंसिल क्यों करते हैं, क्योंकि हम आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे इसकी कि कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा कॉन्फ़िगर होता किस तरीके से है, ठीक है। हम ये पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जो भी हमारे दो तीन प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद न्यू, जैसे आप न्यू करोगे तो आपके सामने एक नई विजार्ड होगी, ओपन होगी। इसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि आप नेम दोगे कि आपको क्या नेम प्रोवाइड करवाना है। कि जैसे आप, मैंने जैसे नेम प्रोवाइड करवाया है ओपन, कि मैं सिस्टम को ओपन करने के लिए जैसे मैंने ओपन नेम प्रोवाइड करवाया, तो आप देखोगे जैसे ही मैं ओपन प्रोवाइड करवाता हूँ तो यहाँ पर ओपन के नाम से एक फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक MPI दिख रहा होगा, MPI का मतलब होता है मल्टी पॉइंट इंटरफेस। मल्टी पॉइंट इंटरफेस अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप इनकी चेंजेस कर सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे ले सकते हैं, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, या आप ऐसे डिटेल्स में ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ओपन जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो सॉरी आपका जो प्रोजेक्ट नेम है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जो भी आप 300 पे वर्क करना चाहते हैं या 400 पे वर्क करना चाहते हैं, तो वो जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैं 300 का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, सिमेटिक 300 जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ सिमेटिक 300 का स्टेशन बन गया है। इस पर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शन मांगता है, हार्डवेयर कि आपके पास 300 के अंदर क्या क्या हार्डवेयर अवेलेबल है। जैसे हार्डवेयर के बारे में बात की तो यहाँ पर आप या तो डायरेक्ट इसको ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं या आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करोगे तब भी आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी यहाँ पे, और आप इसके ऊपर देखो, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपकी ओपन हो चुकी है। तो सिमेटिक 300 के अंदर सबसे पहले क्या लगता है आपका, ठीक है, सिमेटिक 300 स्टेशन के अंदर जैसे मैंने बात की थी सीमेंस के अंदर, तो सबसे पहले आपकी पावर सप्लाई लगती है, और पावर सप्लाई से पहले भी आपको क्या लगता है कि वहाँ पर आपकी रैक लेनी पड़ती है आपको, ठीक है। एक रैक होती है सीमेंस 300, एक रैक टाइप पीएलसी है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स है या जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको अरेंज करने के लिए आपको एक रैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम 300 स्टेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पर सबसे पहले रैक में जाएंगे, रैक 300। रैक में जाने के बाद यहाँ जैसे मैं रेल पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक रैक ओपन हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, एक रैक ओपन हो चुकी है। अब इस रैक को ओपन होने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर वन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, टू सेलेक्ट कर सकते हैं, थ्री, तो सबसे पहले वन नंबर सेलेक्ट करते हैं। वन के ऊपर सबसे पहले क्या आता है, आपकी पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल है हमारे पास, इसमें से आपके पास अगर आप पीएलसी के साथ कन्फिगर कर रहे हैं इसको, तो आपके पास जो भी हार्डवेयर रहता है, यानी कि आपके पास एक्चुअल फिजिकली जो हार्डवेयर अवेलेबल है, वही हार्डवेयर की, उसी हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस को देखकर हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाना होता है। अभी हमारे पास कोई हार्डवेयर नहीं है, हम सिमुलेशन पे वर्क करना देखेंगे, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये 2 एम्पियर सेलेक्ट किया, PS 307 सेकेंड।
सेकंड नंबर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन पे हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके पास अगर आप पीएलसी के साथ एक्चुअल पीएलसी के साथ अगर आप कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो आपके पास जो एक्चुअल हार्डवेयर होगा उसी पर आपको क्या करवाना पड़ेगा, जो स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर की हैं वही सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर सीपीयू 313 ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सीपीयू 131 पे डबल क्लिक किया तो ये सीपीयू 313 यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पर थ्री नंबर पे जो थर्ड नंबर पोर्ट होता है उसके ऊपर लगता है हमारा इंटरफेस मॉड्यूल, आईएम मॉड्यूल। अगर आपके पास इंटरफेस मॉड्यूल है तो उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हुए आप यहाँ पे इंटरफेस मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, 360, 361 या 365, इनमें से कोई भी एक। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थ्री नंबर स्लॉट को आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो रेक होती है इसके अंदर 11 मॉड्यूल्स आपके कवर अप हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि 11 मॉड्यूल्स आपके लग सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फिक्स होता है, फिक्सेशन होता है कि सबसे पहले नंबर पे आपकी पावर सप्लाई लगेगी, दूसरे नंबर पे आपका सीपीयू लगेगा, थर्ड नंबर पे आपका इंटरफेस मॉड्यूल लगेगा और फोर्थ नंबर से लेकर और 11 नंबर तक यहाँ पर आपके SM लगेंगे, यानी कि सिग्नल मॉड्यूल। सिग्नल मॉड्यूल यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, आइदर वो एनालॉग हो सकते हैं और डिजिटल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम थ्री पे यहाँ पे इंटरफेस मॉड्यूल नहीं लगा के हम डायरेक्ट यहाँ पे फोर पे जा रहे हैं, फोर पे हमें सिग्नल मॉड्यूल। अब सिग्नल मॉड्यूल में भी आपको अभी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, या तो एनालॉग हो सकते हैं या फिर डिजिटल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिजिटल देखते हैं। डिजिटल में मैं 32 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 32 इनपुट्स का ले रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल इनपुट। और उसके बाद में फिफ्थ नंबर के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, आउटपुट मॉड्यूल लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देखोगे आउटपुट मॉड्यूल है और आउटपुट मॉड्यूल के अंदर भी मैं 32 आउटपुट्स का एक मॉड्यूल लगा दिया। अब जैसे आपका हार्डवेयर कन्फिगर हो गया उसके बाद में हम इस हार्डवेयर को क्या करना है, सेव एंड कंपाइल। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंपाइल करेंगे तो जैसे ये हार्डवेयर मॉड्यूल यहाँ पे हार्डवेयर कन्फिग्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपने सेव एंड कंपाइल कर दिया, उसके बाद वापस आपको सिमेटिक मैनेजर में जाना होगा। यहाँ पे जो हार्डवेयर ओपन है इसको मिनिमाइज करोगे वापस सिमेटिक मैनेजर में। अभी आपने जो सीपीयू 313 जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। इस पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो S7 प्रोग्राम्स, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास सोर्स ब्लॉक्स और सिम्बल्स। यहाँ पर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ब्लॉक अवेलेबल होते हैं और ब्लॉक में भी मेरे को कौन सा ब्लॉक ओपन करना है, OB1 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1। जैसे आप OB1 को ब्लॉक को ओपन करते हो तो आपके पास एक विंडो आती है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ की। इसके अंदर आप इसको नाम चेंज करना चाहते हो, OB1 का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो, कोई भी अगर आप XYZ नाम रखना चाहते हो तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, STL के अंदर करना चाहते हैं, लैडर में करना चाहते हैं या फिर FBD के अंदर आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उसी लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लैडर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसको ओके करो। ओके करने के बाद आपके पास लैडर लॉजिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास लैडर लॉजिक ओपन हो चुका है, ये सारे आपके बिट्स हैं, ये सारे आपके सिंबल्स हैं जो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लेकिन अब हम सिमुलेशन करने के लिए हमें सिमुलेटर ऑन करना है। सिमुलेटर कहाँ मिलेगा हमें, सिमेटिक मैनेजर जो हमने पहले ओपन किया था इसके अंदर यहाँ पर सिमुलेशन का ऑप्शन मिलता है, सिमुलेशन ऑन ऑब्लिक ऑफ। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो हमारे पास सिमुलेटर ओपन हो जाता है, ठीक है। सिमुलेटर ओपन हो चुका है, अभी मैं सिमुलेटर अभी ओपन हो चुका है। ये रहा आपका PLC सिमुलेटर। एक्चुअली इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा नीचे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं साइड में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा साइड में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, फिट टू स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम इसके साइड में क्या कर लेते हैं, लैडर लॉजिक ओपन कर लेते हैं। हमारा लैडर लॉजिक को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंक कर लेते हैं ऐसे। तो ये आपका सिमुलेटर हो गया साथ में, और आपका ये लैडर लॉजिक हो गया। अब सिमुलेटर और लैडर लॉजिक को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए जैसे आप यहाँ से अगर आप
कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हो, जैसे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ, एक मैंने सिंपल इनपुट लिया, इसका एड्रेस दिया मैंने i0.1, ठीक है, और एक यहाँ पर मैं सिंपल सा एक आउटपुट कोइल लेता हूँ, आउटपुट कोइल का मैंने एड्रेस दिया q4.0 मैंने एक एड्रेस दिया इसका। अभी जब आप इसको डाउनलोड करवाओगे सिस्टम के अंदर तो ये डाउनलोड नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा इसके बारे में बताता हूँ कि अभी जैसे मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पर ये एक एरर दिखा रहा है, अनेबल टू रीच मॉड्यूल CPU 313 वाया ऑनलाइन इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस ऑनलाइन इंटरफेस के थ्रू ये रीच नहीं कर पा रहा है आपके सिस्टम को, या आपने जो CPU सेलेक्ट किया है वहाँ तक ऑनलाइन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। किस लिए? क्योंकि अभी तो हम सिमुलेटर पर काम कर रहे हैं और सिमुलेटर पर काम करने के लिए PLC सिम TCP/IP ओपन है हमारा, जबकि ये किस पे काम करेगा, हमारा जो सिस्टम वर्क करता है वो PLC सिमुलेटर MPI पे वर्क करता है, ठीक है, MPI लोकल हो या MPI इंटरनल हो वो फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हम सिमेटिक मैनेजर ओपन करते हैं। सिमेटिक मैनेजर में ओपन करने के बाद हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद नीचे ही नीचे आपको सेट PGPC इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही मैं PGPC इंटरफेस सेट करता हूँ, PGPC इंटरफेस जैसे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ PLC सिमुलेटर लोकल पे चला गया, PLC सिमुलेटर लोकल मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, फिर मैंने अगेन ओके किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि PLC सिमुलेटर लोकल जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अभी आप जैसे देखेंगे मैंने ये ओपन किया, मैंने ये भी ओपन किया, अभी ये PLC सिम लोकल ओपन हो चुका है। अब जैसे आप इसको डाउनलोड करवाओगे सिस्टम के अंदर तो अब ये इजीली क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा है। ये कह रहा है कि ये अभी सेम प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे हम, यहाँ से पूरे ब्लॉक को ही हमें क्या करना पड़ेगा, PLC के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर डाउनलोड नहीं होता है हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा यहाँ से अगर ब्लॉक्स में जाने के बाद भी अगर मैं पूरे ब्लॉक को अगर यहाँ पे PLC पे जाऊँगा, यहाँ से डाउनलोड पे जाऊँगा और डाउनलोड पे जाने के बाद फिर भी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे वापस से कहाँ जाने की रिक्वायरमेंट है। मैं लैडर लॉजिक में गया और मैं यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर आया। आप यहाँ पर भी जाओगे, वापस PLC सिम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन हम यहाँ से न करके वापस हम यहीं पर जाएंगे ऑप्शंस सेट PGPC इंटरफेस, और PGPC इंटरफेस के अंदर हम PLC सिम लोकल न करके, यहाँ पर जैसे PLC सिमुलेटर लोकल सेलेक्ट है इसको लोकल न करके PLC सिमुलेटर MPI 1 पे करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हमने PLC सिम लोकल पे क्या था, यानी कि सिमुलेटर अकेला था, लेकिन आपका जो 300 जो PLC है वो कौन सी केबल के थ्रू कम्युनिकेट होती है, MPI के थ्रू कम्युनिकेट होती है, तो यहाँ पर मुझे MPI सेलेक्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर अभी MPI हो गया, MPI आने के बाद जब आप इसको डाउनलोड करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा, अभी कोई आपको एरर शो नहीं करेगा, ये डाउनलोड हो चुका है। और अभी आप इसके ऊपर जैसे ये आपका मॉनिटरिंग मोड है, अभी ये PLC मॉनिटरिंग मोड में ऑन करने के बाद अभी ये स्टेटस दिखा रही है आपका स्टॉप मोड का। स्टॉप मोड का स्टेटस इसलिए दिखा रही है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिमुलेटर है वो अभी स्टॉप मोड में है। अगर आप इसको रन मोड में या रन प्रोग्राम मोड में, दोनों में से किसी पे भी कर दोगे तो ये रन मोड में आ जाएगी। एक्चुअली हम रन प्रोग्राम मोड में रखना पड़ता है इसको, क्योंकि जब हम बार बार इसको डाउनलोड या अपलोड करवाएंगे तो वापस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये जैसे मैंने रन मोड में किया तो यहाँ पे भी ये रन मोड में आ चुकी है PLC, ठीक है। तो जैसे आप i0.1, ये है आपका i0.1, अगर आप इसको जैसे ही हाई करते हो तो आपका आउटपुट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये आउटपुट आपका हाई हो चुका है, और सेम यहाँ पर भी आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा। जैसे आप इसको ऑफ़ करते हो तो यहाँ से आउटपुट को आप ऑफ़ करवा सकते हैं वापस, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फ्रेंड्स हमारा एक वीडियो था कि PLC सिमुलेटर के थ्रू आप कैसे अपनी प्रोग्रामिंग को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो, जैसे मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो रहेगा कि आपके पास अगर सिमेटिक मैनेजर का लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस उसको कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, या लाइसेंस की कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, कहाँ से प्रोवाइड करवाने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम फर्दर इनके बिट लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बिट लॉजिक में ये जो बिट्स हैं, जैसे आपकी इनपुट कॉइल है, ये आपकी
एनओ कोइल है, ये एनसी है, ये आपका नोट है, ये आपके आउटपुट कोइल है, ये मिड लाइन आउटपुट है, ये आपका सेट कोइल, ये रीसेट कोइल, ये आरएस फ्लिप फ्लॉप है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हम सभी के बारे में पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंपेरेटर के ऊपर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है।